हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग सीधे मैं विंटेज ग्रीन बैंकेट हॉल से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह भाई अभी सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं सीधे आके मैंने व्लॉग स्टार्ट करने, मुझे आज बहुत लेट हो गई थी। मैंने घर से भी नहीं गोदाम सीधे बैंकेट हॉल में आया। मैंने कहा भाई और ये व्लॉग स्टार्ट करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं डेली व्लॉगिंग करता हूँ। सो अभी हूँ मैं बैंकेट हॉल में, क्योंकि कल की एक वेडिंग पार्टी थी। सो अभी चल रही है क्लोजिंग। सो क्लोजिंग के साथ साथ फिर परसों का जो वेडिंग है उसके लिए पूरी थीम चेंज होगी, तो इसको पूरा जो कलर है ये थीम है जो ये हो जाएगी चेंज। और थीम चेंज होने के बाद जब होगा भाई परसों का देखना गेटअप, वो अलग थीम होगी और अलग गेटअप आएगा। सो गाइस, आपने देखा ही होगा कल के व्लॉग्स में कि कल कैसे कैसे डेकोरेशन था, पिंक थीम थी यहाँ पे। और देखिए टीम हमारी चढ़ी हुई है, तो कपड़ा खोल लिया है, लाइट्स भी खुली रही है, फ्लावर्स खुल चुका है, और बाकी वो ठीक सामने देखो इतने ऊपर हट में। और धूप इतनी भयंकर भाई, सुबह 10 ही बजे भाई 8 ही बजे इतनी भयंकर धूप आ जा रही है। तो इसे खोल के उसके बाद थीम चेंज होगी और यहाँ पे लगेगा स्टेज, वो भी उधर को फेस करके। तो चलते हैं एक राउंड अंदर। तो अंदर भी मैं देख लेता हूँ एक राउंड की अंदर का क्या है, लेकिन अभी अंदर कुछ है नहीं। और जैसे कि भैया ने वाटरफॉल भी बंद कर चुका है, अभी इसे बहुत चलते हुए देखा है, कितना बहुत अच्छा लगता है। और पानी देखो भाई सफ़ेद हो रहा है, पूरा कूड़ा ही कूड़ा हो रहा भाई इधर। तो भी भाई अभी मैं निकल चुका हूँ बैंकेट हॉल से, तो आज 2-3 घंटे वहीं बैठे रहे या बैंकेट हॉल में, क्योंकि क्लोजिंग करनी थी और बारिश कहीं मौसम, कभी धूप कहीं बारिश, मौसम चेंज हो रहा था। अभी मैं थोड़ा बाईपास रोड से ही निकल रहा हूँ भाई, बहुत धूप है इधर, बहुत कम छाया तो है, पेड़ तो है, मेन रोड पर तो धूप ही धूप है। अब यहाँ से आगे वो पूरी धूप है, देखो ये छाया दिख रही, पेट एक सामने धूप, ये रहा नदी वाला एरिया, पहाड़ पानी आता है खेतों में लगाने के लिए भाई, नहर वाली हुई। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, क्यों घर से आइए कॉल की भाई खाना खा ले। तो बाहर खाना भी खा लेते हैं, काम काम और काम से। तो भाई साहब पूरा ग्लूकोज चूस गया, ऐसी धूप हो रही है, कड़कदार धूप भाई। अभी हम जाम में बड़े बुरी तरह फंस गए हैं, एक गाड़ी बता देगा अगर के भाई जाम बड़ा भयंकर लग गया है, बड़ी मुश्किल से बुला। गाइस अभी देवेंद्र भाई आ गए, अब हम जा रहे हैं चौक, कहाँ कॉलेज, कॉलेज में आज वो है भाई कौन सा रूम लगा था। गाइस यहाँ पे साक्षी, जस्टिस फॉर साक्षी। तो भाई यहाँ पे अभी व्लॉग व्लॉग की जर चाहिए, भाई कपड़े कपड़े मार्केट में डाल दी मटर गली के अंदर, गाड़ी यहाँ वैसे चलने के लिए जगह नहीं हो रही, इन्हें गाड़ी डाल दिया हूँ। तो भाई आराम से आराम से आराम से ठोक मत दियो भाई, पहले भी हम आ गए हैं मटर गली में जूस पी, और गर्मी बहुत हो रही है भाई सब, इस चक्कर में जूस ही पी रहे हैं, जूस ऑर्डर दे दिया है, बना रहे हैं भाई हमारे जूस, ताज़ा जूस मिलना भाई। और 1979 से आपकी सेवा में वो बाब रहे हैं, 1969 से सेवा कर रहे हैं हमारी, अच्छा। और ठीक सामने है भाई पार्क, लोग यहाँ जूस पीते हैं, नहीं तो गर्मी में थक जाते हैं तो पार्क में बैठ जाते हैं। और ये दुकान कब से देखे, 1979 से। और भाई ने मेरा जूस बना दिया है, यहीं रख दो भाई, जा गया मेरा जूस। और भाई इनका आया पपाया शेक, तो एक सांस में ख़त्म कर देंगे। शाबाश जगीदा, तुमने तो पूरा कर दिया, पूरा निपटा दोगे क्या। तो भाई अभी अगेन हमने एक और ऑर्डर दे दिया लस्सी के लिए, हाँ एक लस्सी, हाँ एक मैंगो, पपाया पीना चाहिए बढ़िया।
ये भाई लस्सी ला रहे हैं। हाँ मेरे को ये आगे ला गया हूँ मैं लस्सी, भाई मज़ा नहीं आया। जितना जूस जितना लिक्विड पिलो उतना ही बढ़िया आजकल तो। लस्सी खाओ और कुछ नहीं सर, मैं आ रहा हूँ मिक्सी लेने। अंटा टंटा बिल्कुल नहीं खा रहा लस्सी। ओके जी ओके, जो पीनी वही पियो आजकल, इसमें मेरा ज़्यादा वो है फोकस। रमित जी फ़ोन कर रहे हैं मुझे, मज़ा आ गया। गाइस अभी हम जूस वूस पी के दोनों भाई निकल चुके हैं। जूस पिलाया बहुत दिन भाई, थे दो तीन दिन से रामनगर भाई, तो हमने जूस वूस पी के अब भी जा रहे हैं जरा गोदाम और काम है भाई। ओ भाई यार, और आराम से आराम से। ट्रैफिक इतना हो रहा है, मार्केट ही घूम रहे हैं जब से आए हैं, कभी कुछ काम कभी कुछ काम। आराम ना भाई आराम ना। गाइस अभी लग रही थी भूख खाने का, तो ला गए हम कुरकुरा और एक कोल्ड ड्रिंक, तो ये पी लेते हैं भाई थोड़ा बहुत प्यास लगे। क्या खाना वाना तो खाया नहीं, मन ही नहीं कर रहा कुछ खाना वाना खाने का, तो यही चीज़ चल रही है आजकल। कभी कुछ जूस कभी लस्सी और कभी तो ठंडा वंडा। पिला कौन रहा है? पिला तुम बताइए कौन। तो गाइस अभी आ गया था घर से तैयार होकर नहा धो के दोबारा, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी कि शाम को अगर 6-7-8 बजे नहाना हो ना कि दोबारा पार्टी में जाने के लिए भाई दाद बना दिया, तो मज़ा नहीं आता है बिल्कुल, बहुत अजीब लगता है। तो इस समय मैं था अपने घुसराम के पास ही, तो बाहर ही अभी देवेंद्र का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि हम जा रहे हैं दूसरी अभी एक जगह पार्टी में प्रोग्राम में, मतलब अपने काम में यार, ऐसे घूमने हम कभी नहीं जाते। तो अभी हूँ मैं यहीं गोदाम के बाहर ही और इंतज़ार कर रहे हैं, फटाफट निकलते हैं और नहा धो के बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। ओहो लाइट गई। गाइस अभी हम आ चुके हैं भाई पार्टी से, पार्टी बैठी तो बहुत भीड़ होती, बहुत क्राउड होता, तो हमने खाना खाया, अपने काम को निपटाया और फटाफट आ चुके हैं वहाँ से, और अभी जा रहे हैं गोदाम, क्योंकि वहाँ पे देवेंद्र भाई की गाड़ी खड़ी है, ये भी आराम से करते हैं भाई। थके हुए तो वहाँ टाइम सो जाएंगे यार, इन्हें बहुत काम कर रहा है। अरे 4 बजे तक, मैं भी 3:30 बज गए थे मुझे भी, और ये भी जान लेट ही आया। तो अब चलते हैं अभी घर, फटाफट पहले गोदाम जाते हैं, इनकी गाड़ी उठाते हैं, उसके बाद बिल्कुल शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं रह गई, इतना जग जग के हालत बहुत डाउन हो चुकी है। तो गाइस अभी अभी गाड़ी आ गई हमारी, ये भाई अभी पहुंचे हैं ये लोग। गाइस हमारी टीम मेंबर्स भी आ चुके हैं रामनगर से, और पूरी गाड़ी गाड़ी अनलोड कर दी गई, तो मैंने उन लोग से बोला खाना वाना खिला के सुला दिया अच्छे से, और मैं भी निकल चुका हूँ घर के लिए। सो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, अभी 12 ही बज रहे हैं, तो आज जल्दी निकल गए, क्योंकि थोड़ा पीक थोड़ा हल्का ही था आज का काम, तो जैसे निपटा निपटू के अभी घर ही जा रहा हूँ मैं यार, तो बहुत थकान लगी हुई है। उस जा तो मैं बहुत पहले ही रहा था, मैं 11 बजे तक निकल जाता हूँ, उसके बाद गाड़ी भी पहुँच गई रामनगर से, तो मुझे हो गया लेट इस चक्कर में। तो भाई अभी सीधे घर ही जाके मुझे सीधे पड़ जाना है भाई। तो भाई अपनी गाड़ी में भी आज तेल करा लिया है फुल, क्योंकि तेल और गया था ख़त्म, मैंने कहा भाई फुल करा लो, क्योंकि भाई थोड़ा थोड़ा तेल लगा के कहीं भी पैदल हो जा रहे थे। चल रहे हैं अभी घर को, और यहाँ से बचा अपना पीलीकोटी का घर का रास्ता 5 मिनट का, बचा ज़्यादा नहीं, पहुँचने वाले हैं सीधे ग्राउंड में। पहले नहाना है, नहाते ही उसके बाद जाना है सो। यहाँ के कुत्ते एकदम से पहुँचते हैं वहाँ। सो गाइस फाइनली पहुँच गया हूँ घर आराम से भाई, सही सलामत। थैंक्स टू गॉड यार, कितने लोग ऐसे हैं कि गाइस आपको पता ही है कि अपने घर से निकलते हैं और लेकिन शाम को अपने घर नहीं पहुँच पाते, सुबह को जैसे अपने घर से निकल गए। ये धन्यवाद करते हैं हम खुदावन को कि भाई उसने हमें दिन भर में सही सलामत संभाला और अब हम अपने घर पहुँचे भाई, उसका धन्यवाद हमें हमेशा करना चाहिए गाइस, क्योंकि हम उसके बिना कुछ नहीं है। सो गाइस इस समय अपने घर पहुँचा हूँ, और अभी ब्लॉग की एडिटिंग भी करनी है, उसके बाद बहुत कुछ टैग बनाओ सॉरी हाँ ठीक है थंबनेल्स वगैरह एडिटिंग थंबनेल्स वगैरह, मतलब बहुत काम हो जाता है। और अभी भी नींद भी बहुत भयंकर आ रही है, अब देखता हूँ भाई कैसा मौका मिलता है, अगर ताकत रही तो बनाऊँगा, नहीं तो रात अभी सो गया 1 घंटा, रात में एक अलार्म लगा लेता हूँ बीच में का, तो उसका अलार्म लगा के उठ के, क्योंकि बॉडी अभी रिलैक्स पूरी थकी हुई है बिल्कुल काम नहीं कर रही है। सो चलते हैं गाइस अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, और मेरे चैनल में जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरे चैनल में नए हैं यार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।